मौसम आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हो रहा है। और अभी ना आप लोग ये सोच रहे होंगे डेली ब्लॉग स्टार्ट करते ना ये मौसम का पता नहीं क्या लेके बैठ जाती है, तो लिटरली ना मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, बारिश आ रही है और सुबह से बारिश आ रही है। ये देखिए बारिश आ रही है और बारिश का मौसम मुझे बहुत ही पसंद है और सभी को बहुत पसंद होगा, वैसे मुझे भी बहुत पसंद है। ये देखिएगा मेरे को ना अभी इधर बारिश देखने को मिली है और साथ में ना बंदर देखने को मिला है। ये देखिए ये रहा बंदर। तो हे गाइस, मैं आ गई हूँ वापस अपनी प्यारी सी जगह, मतलब मेरी फेवरेट जगह, बिकॉज मौसम आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। लास्ट ब्लॉग में भी मैं यही कर रही थी, सेम यही मौसम हो रहा था, तो आज भी यही मौसम हो रहा है और रिम झिम रिम झिम की बरसात आ रही है। मैंने पहना है ये रेड कलर का प्यारा सा सलवार सूट, पे ये दुपट्टे वाला सूट था तो मैंने दुपट्टा भी लगा लिया है और टाइम वेस्ट किए बिना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसके लिए ना आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ दो चीज़ें। एक तो मैं ये लेके आई हूँ कि मेरे पास एडसेंस का जो मेल आया है वो मुझे रिसीव हो गया है, और साथ में अभी दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था मेरा चैनल फाइनली मोनिटाइज हो गया है, और मोनिटाइज हुआ है तो मैं आपके साथ तो शेयर करने वाली थी कि मुझे किसने सपोर्ट किया, किसने मुझे मोटिवेट किया, किसने मेरे को चैनल बनाने को बोला था, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ उनका नाम मैं आज रिवील करने वाली हूँ इस वीडियो में, और साथ में मुझे और किस किस ने सपोर्ट किया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो में बस यहीं रुकना है और वीडियो को जरूर देखना है लास्ट तक, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, और अगर कोई क्वारी हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आज मुझे फाइनली वेरिफिकेशन कोड एडसेंस का वेरिफिकेशन मेल मेरे पास रिसीव हुआ है। मुझे उसमें जो लिखा है वो मैं इधर साइड में फ़ोटो लगा दूंगी जहाँ से आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। तो मेल आया है मेरे पास कि आप लोग एडसेंस पिन के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मेरे जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था बताया था कि जब मेरे $10 कंप्लीट हो जाएंगे मेरे चैनल पे उसके बाद एडसेंस पिन के लिए मैं अप्लाई करूँगी, जिसके बाद वो अप्रूव होगी और उसमें कोड आएगा, तो उसके बाद फिर वो कोड हमें इसमें डालना पड़ेगा और उसके बाद हमारे पैसे काउंट होंगे, देन हमें पेमेंट मिलेगी। तो जी चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि एडसेंस पिन मेरे पास 7 से 10 दिन के बीच में आ जाएगी, वो आएगी मेरे गांव वाले पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन होगा आई डोंट नो अबाउट इट, बट मेरे पास एडसेंस पिन आ जाएगी, उसके बाद में कोड आएगा उसको मैं अपने अकाउंट में डालूंगी, देन मेरे जो अमाउंट होगा वो काउंट होगा और उसके बाद वो हर महीने की 21 तारीख को मेरे अकाउंट में बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो जी ये तो थी एडसेंस पिन की बात। तो एडसेंस पिन हमें मिलती है, चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद आपके $10 होंगे, उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा वेरिफिकेशन मेल, तो आप अगर उसे फिल करके और आप अगर उसे भेजेंगे यूट्यूब को तो उसके बाद आपके पास एडसेंस पिन आएगी, जिससे कि आपका जो अकाउंट है बैंक अकाउंट वो यूट्यूब लिंक कर देगा और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो अकाउंट में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगा हर महीने की 21 तारीख को। तो ये तो थी मेरे एडसेंस की बात, और जब एडसेंस पिन आएगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी कि वो भी मतलब एक होता है ना यूट्यूबर्स के लिए एडसेंस पिन का भी बहुत क्रेज होता है, तो वो भी मैं आपके साथ जरूर से ज़रूर शेयर करूंगी। तो जी ये तो बात थी अपने एडसेंस की और अकाउंट वेरिफिकेशन की। तो फाइनली आई एम मोनिटाइज, सॉरी यार मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ क्या निकल जाता है मुँह से, क्योंकि यार एक्साइटमेंट ही ऐसा होता है जब 4 साल की मेहनत रंग लाती है ना गाइज, तो बहुत ही खुशी होती है, सेम वही मेरे साथ हो रहा है। और अभी इस मौसम के मज़े लेते हुए मैं आपके साथ लास्ट व्लॉग में भी इसी मौसम के साथ ही, और आज के व्लॉग में भी मैं आपके साथ इसी मौसम के साथ हूँ। तो जी ये तो थी चैनल की बात, और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ और उसे बोल सकते हैं एज ए मेरी बैकबोन और मेरा सपोर्टर जिसे बोल सकते हैं उसका मैं आज रिवील करने वाली हूँ नाम। तो जी सबसे पहले सपोर्टर तो है मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और अगर वो नहीं होते तो आई थिंक मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती,
तो सबसे बड़े सपोर्टर और सबसे ज़्यादा मेरे लिए खास है मेरे सब्सक्राइबर्स, और जो भी देख रहे वीडियो को उनको तहे दिल से धन्यवाद कि आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। तो जी अब चलिए मैं बताती हूँ कि जो मेरा सेकंड सपोर्टर है वो कौन है। तो वो है मेरे हस्बैंड, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बिकॉज अगर वो मुझे गाइड नहीं करते अपने यूट्यूब चैनल के बारे में तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो जी हुआ ऐसा था कि मैं ना मेरी शादी से पहले जॉब करती थी। तो जी मैं ना जॉब करती थी, ये जो DDU GKY होता है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उस पर मैं एज ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर मैं वहाँ पे जॉब करती थी। ट्रेनिंग का काम था मेरा बच्चों को सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश के बारे में ट्रेनिंग देना। तो वो मैं जॉब करती थी मेरी सगाई के बाद। तो 6-7 महीने बाद हुआ कि मतलब मेरा जॉब का टाइमिंग था, सुबह 9 बजे जाती थी, शाम को 6 बजे घर आती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जॉब कर लो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट तुम यूट्यूब पे अपना चैनल बना सकती हो। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अपना एक चैनल बना लो यूट्यूब पे जिस पे तुम्हें वीडियोस डालने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि वीडियो तो देखो मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे मुझे, मतलब ऐसे डांस वगैरह यूट्यूब पे सबके सामने आना और ये सब। जो उन्होंने बोला कि आपको करना कुछ भी नहीं है, आप अपना सिर्फ चैनल बनाओ और अपने फूड जो खाना आप बनाते हो बस उसी का वीडियो बना के सिंपल सा डाल दो। तो अगर आप मेरे चैनल को अगर आप ही खोलेंगे ना, तो स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ पे आप जाएंगे तो उस पर सिर्फ मेरी कुकिंग के वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो उस पर मेरे को जैसा खाना बनाना आता था लाइक सैंडविच मैगी वगैरह ये सब और सब्जियाँ वगैरह भी मैंने उस पर शेयर की है। तो जी मैं ये करती थी, मैं वीडियो बना देती थी, मुझे कोई एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे कोई थंबनेल बनाना नहीं आता था, मुझे वीडियो डालना भी नहीं आता था इवन। तो उन्होंने ये किया कि मैं वीडियो बनाती, मैं उनको व्हाट्सएप पे भेजती, देन वो पूरा वीडियो एडिटर के थ्रू पूरा एडिट करते वीडियो को और वो ही अपलोड करते और वो ही थंबनेल डालते, सब कुछ उन्होंने ही किया है। तो पहला सपोर्टर है मेरे हस्बैंड, जिनकी वजह से मैंने चैनल बनाया था और उन्होंने स्टार्टिंग में मेरा चैनल उन्होंने ही चलाया था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं अपने आप से करने लगी। उन्होंने मुझे ऐप बताया कि आप ये ऐप डाउनलोड करो अपने फ़ोन में और इसके अंदर आप अपने चैनल मतलब जो वीडियोस होते हैं उनको एडिट कर सकते हो और थंबनेल भी आप उससे डाल सकते हो। तो मैंने फिर स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार कुकिंग तो मतलब एक होता ना बहुत ही अच्छा खाना बनाने वाले आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो उनके सामने मेरा खाना कुछ भी नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि यार लोग उनकी वीडियो देखेंगे या मेरे वीडियो देखेंगे। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था Realme 3 Pro, ठीक है, तो मेरे पास कोई आईफोन कुछ भी नहीं था। तो मैंने ये बोला कि यार मेरे को ना ये नहीं, इस पर ना व्यूज़ नहीं आ रहे। देन उन्होंने बोला कि ठीक है आप ना छोटे छोटे से रील्स डाल दो, मतलब आप अपने छोटे छोटे से वीडियो बनाओ और उस पर रील्स डाल दो, गाना कोई भी ऐड करके। तो मैंने वो भी किया। फिर इन्होंने मुझे समझाया कि देखो सामने आपको आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका चैनल ग्रो करेगा और आप अपना कुछ भी कंटेंट लेके। उन्होंने बोला मेहंदी आती है, मेरे को मेहंदी नहीं आती है, सिलाई भी मुझे नहीं आती, बस मुझे कुकिंग आती है और डांस आता है। तो डांस का ये था कि डांस मैंने 2-3 वीडियोस डाले, वो चले भी अच्छे बट उन सब पे कॉपीराइट आ गया। तो फिर मैंने स्टार्ट किया मेरा व्लॉगिंग का। तो व्लॉगिंग का सबसे अच्छा कंटेंट होता है क्योंकि इसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आता, साथ में आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो बस आपको यही दिखाना होता है कि आज हम सुबह उठे से लेके शाम को सोए तक का आपको उसमें दिखाना है। और अगर आपके साथ कुछ स्पेशल हो रहा है या फिर आपका कुछ भी स्पेशल डे है तो आप वो भी इस पर एक्सपोज कर सकते हैं जी। फिर मैंने अपना जो ब्लॉगिंग वाला शुरू किया, तो ब्लॉगिंग में मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, अभी तक भी स्टिल मैं ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ और इस पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। साथ में सब्सक्राइबर्स भी बहुत जुड़ गए और जो वॉच टाइम होता है वो भी मेरे ब्लॉगिंग से ही कम्प्लीट हो पाया है। तो जी सबसे पहले जो मेरा सपोर्टर है वो सब्सक्राइबर्स से, दूसरे सपोर्टर है वो है मेरे हस्बैंड, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और उनको भी बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। मेरे मतलब मेरी एज ए बैकबोन मैं उन्हें बोल सकती हूँ क्योंकि हर चीज़ में मुझे वो ही गाइड करते थे कि अगर तुम वीडियो को ऐसे बनाओगी तो तुम्हारा और अच्छा चलेगा, ठीक है। फिर मेरे वीडियो क्वालिटी ख़राब हो रही थी तो उन्होंने मुझे आईफोन दिलवाया और आईफोन की वजह से अभी मैं जो व्लॉगिंग कर रही हूँ वो मेरे आईफोन से कर रही हूँ। मेरे पास शुरू में कुछ भी नहीं था, कोई महंगा फ़ोन या फिर कुछ भी महंगा कैमरा कुछ भी नहीं था, तो मैं एंड्रॉयड फ़ोन से मेरी व्लॉगिंग करती थी तो उसमें क्वालिटी ख़राब हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे अभी आईफोन दिलाया है, ठीक है। और दूसरे जो सपोर्टर है मतलब तीसरे नंबर पे, वो है मेरे मम्मी और मेरे पापा, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे चैनल के लिए। कईयों के पेरेंट्स होते शुरू में, हाँ उनको भी दिक्कत हुई थी कि तुम सामने मत आओ और फेस रिवील मत करो क्योंकि लोग बातें बनाएंगे,
आपको पता है राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो सब तरफ बातें होती है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कि भाई इनकी बेटी वीडियो बनाती है, दुनिया को दिखाती है हर चीज़। तो शुरू में दिक्कत हुई थी, बट फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने पेरेंट्स को समझाया तो वो लोग समझ गए और वो लोग अंडरस्टैंड कर गए इस चीज़ को कि देखो जॉब भी करते तो भी ऐसा है नहीं कि हम लोग अपना चेहरा छुपा के और जॉब पे जा रहे हैं या फिर जॉब ना वीडियो बना के सिर्फ डाल रहे हो, इसमें तो कुछ गलत तो इसमें कुछ कर ही नहीं रही ना मैं कि आपको कुछ इसमें गलत दिख रहा हो या फिर मैं कुछ गंदा आपको दिखा रही हूँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं बस मेरी जो लाइफ है, जो मेरी ज़िंदगी जो चल रही है, लाइफ स्टाइल मेरी, बस उसको आपके सामने एक्सपोज कर रही हूँ। तो जी मेरे पेरेंट्स ने उसके बाद मुझे कर दिया फुल सपोर्ट, क्योंकि जो भी पेशेंट वगैरह आते थे मेरे पापा के पास दवाई लेने, तो पापा उनको बताते थे कि मेरी बेटी है, उसका ये चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस पे देख सकते हैं, मेरी बेटी वीडियो बनाती है, तो मेरे दवाई लेने आते हैं। तो अगर वो भी मेरा चैनल देख रहे होंगे तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पापा इस तरीके से सपोर्ट करते थे। मम्मी का ये था कि मम्मी अपने फ़ोन में पूरा दिन बस मेरे वीडियो चला के देखते रहते थे, और मम्मी भी अपने रिलेशंस में जब अभी जाते थे सबको बोलते थे कि नेहा व्लॉग बनाती है तो आप लोग उसका चैनल सब्सक्राइब कर लो और उसको सपोर्ट करो। ठीक है, मेरी बहनें हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि अपने ससुराल में भी सबको बताया, सबको लिंक भेजा कि इसे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके वीडियोस को देखो और इसको सपोर्ट करो। तो सब लोग मुझे सब मेरी जो सिस्टर्स हैं उनके इन लोज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ससुराल में भी काफ़ी लोग हैं जो कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। ये थी गाइस सपोर्ट की बात, तो मुझे किस किस ने सपोर्ट किया, मुझे मेरी पूरी 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 फैमिली ने सपोर्ट किया है। चलते मैंने अपनी मेहनत करी और बस आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। तो ये था मेरा सपोर्टर, जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो बिग थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर्स एंड बिग थैंक्स फॉर माय हस्बैंड एंड माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली। सो अभी वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।